नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू 22 टुडे और इस वक्त वार्ड सचिव भाई जुड़ चुके हैं और बात करेंगे। आज उनके कोर्ट का हियरिंग था और अभी चल रहा है, और आइए बात करते हैं कि आखिर आगे की क्या रणनीति है और आगे का क्या प्लान बना रहे हैं। अभी आज कोर्ट का हियरिंग है। जी बिल्कुल, आज है। पुलिस के जो रवैया रहा वो अच्छा नहीं रहा। आप लोग पहले एक बार तो सचिवालय के पास गए थे, वहाँ से भगा दिया गया। देखिए, कल हम लोगों को सचिवालय में मतलब आने का थी प्लान था, हम लोगों ने गया भी वहाँ पे। उसके बाद जिस तरह से कल पटना में सुरक्षा की व्यवस्था थी, एक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जी जब आते हैं, जिस तरह से राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था रहती है, उस तरह से पूरा पटना को चप्पे चप्पे से पुलिस प्रशासन से भर दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने गर्दनी बाग जाने का काम किया। पुलिस प्रशासन के द्वारा बोला गया कि पूरे बिहार का धरना स्थल गर्दनी बाग फिक्स है। हम लोगों ने वहाँ गया और वहाँ भी पुलिस प्रशासन के द्वारा भर दिया गया। फिर हम लोगों उसके बगल में गर्दनी बाग के बगल में एक ग्राउंड है, वहाँ भी बैठे। एक घंटा बैठने के बाद पुलिस के द्वारा काफ़ी बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज भी किया गया। उसके बाद वहाँ से भी हम लोगों को खाली कर दिया गया। हम लोगों को आज केस का सुनवाई चल रहा है। हमारे केस में पीके शाही जी सीनियर अधिवक्ता हैं और संभवतः आज हम लोग की सुनवाई मतलब हो सकती है, ताश नंबर पे है। तो हम बिहार के सभी वार्ड सचिव बंधुओं से कहना चाहेंगे, धैर्य रखें। अगर कहीं अगर वार्ड सचिव का चयन हो रहा है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम लोग 4 साल काम किए हैं और 4 साल काम करने के बाद एक लेटर जारी करके अगर हटा दिया जाता है तो वो लोग को हटाने में कितना देरी लगेगा सरकार को। ये धैर्य रखें बिल्कुल। अगर संघ के द्वारा अगर आह्वान होता तब लोग पूरी एकजुटता के साथ आएँ। आप लोग बिल्कुल धैर्य नहीं खोएं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी हम लोगों को जिला लेवल पर भी करना है, प्रखंड लेवल पर भी करना है। अभी हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। चुनाव कर भी देगा तब पर भी हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। दायर किया जाएगा बिल्कुल, वो तो चल ही रहा है, उसके बाद भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ये जो डबल इंजन की सरकार है, जो बीजेपी जदयू को, ये दोनों बीजेपी और जदयू के चक्की में हम लोग पिसा रहे हैं। सम्राट चौधरी जी कहते हैं मुख्यमंत्री जी को करना है, जदयू के तरफ से बात किया जाता है तो कहा जाता है कि अति इनके मंत्री जी करेंगे। तो हम लोग जो है दोनों अपना चक्की में पीस रहे हैं। और एक अति जब चुनाव आता है तो उस समय ये लोग चुनाव रोजगार की बात करती है, ये सरकार चुनाव की बात करती है। 19 लाख रोजगार की बात की थी चुनाव के समय में। अब चुनाव जब ख़त्म हो गया, जब इनकी सरकार बन गई, हम लोग पूरे परिवार हम लोग एक तरफा वोटिंग करके इनको जिताने का काम किया। जब आज हम लोगों का बारी आया, हम लोग 4 साल काम किया है, हम लोगों ने मैट्रिक योग्यता पे हम लोगों को लिया गया था, लेकिन आज हम लोग को ये जो सरकार है क्या हम लोग को सजा दे रहा है, ये हमको समझ के बाहर लग रहा है। हम लोग लगातार धरना में गर्दनी बाग में 15 तारीख से बैठे, 26 तारीख तक बैठे हुए थे, कोई भी आला अधिकारी हम लोगों को सुनने के लिए नहीं आया। उसके बाद हम लोगों ने बीजेपी कार्यालय के पास बैठा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीका से, कोई यातायात डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। मंत्री जी के तरफ उधर बीजेपी कार्यालय के तरफ से आश्वासन भी दिया गया था कि मंत्री जी लगभग 5 बजे शाम में आएंगे, आप लोगों से वार्ता करेंगे। और हम लोगों ने उसके बाद 3 बजे के आसपास इन्होंने वाटर कैनन, आंसू गैस और पानी की बौछार से हम लोगों को जिस तरह से वहाँ पे पुलिसिया तंत्र के द्वारा हम लोगों को बेरहमी से पिटाई की गई, जो वो आप लोग सब मीडिया के माध्यम से देखे भी होंगे, तमाम मीडिया, नेशनल मीडिया और जो मीडिया हैं सभी लोगों ने इनका कवरेज किया था। और हमारे जो घायल 2 बंधु हमारे उस समय निधन हो गया, एक सुपौल जिला का है और एक वैशाली जिला का है, एक मुजफ्फरपुर का राजीव कुमार जी हैं, उनका हेड का ऑपरेशन हुआ था, PMCH में भर्ती थे। इसका भी बदला लेना है वार्ड सचिव बंधु, आप लोग आने वाला समय में इसका एक एक पाए का बदला लेना है। ये जो डबल इंजन की सरकार, इसका कथनी करनी में अंतर है, ये कहती कुछ है करती कुछ है। इनका कहता मुख्यमंत्री जी न्याय के साथ विकास करेंगे, हम क्या यही विकास है इनका? हम लोग तो अपना विकास का काम कर दिया, हम लोग 7 निश्चय योजना में पूरी ईमानदारी पूर्वक हम लोग धरातल पर उतारने का काम किया, इसके बलबूते ये देश दुनिया में अपना वाहवाही लूट रहे हैं। फिर क्या लग रहा है कि सरकार अनसुनी कर रही है जानबूझकर तो करिए रहा है। कल की घटना है कि वार्ड सचिव का चुनाव हो रहा था, उस समय गोली चल गया। जी जी जी, तो सो आप लोग सारा चीज़ देख ही रहे हैं। और ये सरकार दोहरी नीति वाली सरकार है, इसके घर में काम कीजिए, नीतीश कुमार के घर में जाके ढलैया कर दीजिए, और मजदूरी नाम मांगेगा तो लाठी लेके दौड़ेगा। कौन संविधान में लिखा हुआ है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान को इन्होंने चूर चूर
चकनाचूर करके रखा हुआ और अपना ये राजशाही चलाना चाहता है। जैसे रूस में था जार, जो खूनी रविवार हुआ था, काम करके आया, रोजी रोटी मांगने गया था तो उसके ऊपर गोलियां चलवा दी, खूनी रविवार हो गया। इसीलिए 27 तारीख को हम लोग को खूनी रविवार से कम नहीं था और हमारे दो भाई मर गए। और नीतीश कुमार को मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जिस प्रकार शीला दीक्षित के सरकार को अरविंद केजरीवाल ने रोड पर लाने का काम किया था, उसी प्रकार मैं अरविंद कुमार यादव भागलपुर के जिला अध्यक्ष नीतीश कुमार को सड़क पर लाने का काम कर दूंगा। और आज से आंदोलन मेरा 27 से चालू है और चालू ही रहेगा। कितना कोरोना आएगा देखते हैं, कितना कोरोना आता आएगा, एकदम शुरू रहेगा, एकदम हम पार्टी बनाएंगे, नहीं होगा तो इसके खिलाफ पार्टी बनाएंगे। राजनीतिक पार्टी न किसी से सहयोग नहीं चाहिए। आज विपक्ष भी जो है कमजोर पड़ा हुआ है, विपक्ष भी हम लोग के लिए कुछ नहीं बोल रहा है, खाली गया हाँ क्रेडिट लेने के लिए। भाई आज विपक्ष को तेजस्वी यादव को होना चाहिए। क्या लग रहा है क्या विपक्ष का भी साथ छूट रहा है क्या? लग तो रहा है, अभी एक बार गए बोल दिए, हो गया, लेटर लिखिए भाई आप, लेटर आप मजबूत बड़का पार्टी है बिहार में, 75-74 विधायक आपके पास सबसे बड़ी पार्टी है, हाँ क्या नहीं हो सकता है? आप अगर हमारे पक्ष में रहिएगा तो क्या नहीं हो सकता है? आने वाले समय में आपका सरकार भी बन सकता है। लेकिन वार्ड सचिव को 1,14,000 को जो छोड़िएगा छड़िएगा उसको छोड़ेंगे नहीं। 1,14,000 गुना 10 या 50 कर दीजिए, पर रिश्तेदार में 50 आदमी होंगे जी, एक वार्ड सचिव का परिवार में 50 से 100 आदमी होगा, रिलेटिव सबको बोलेंगे वोट नहीं देना, तो बताइए हम तख्ता पलट सकते हैं कि नहीं पलट सकते हैं? और 1,14,000 मजबूती से हैं, कभी भी हम लोग अनाउंस करेंगे कि भाई नहीं पटना की धरती पे पहुंचना है तो सारे लोग पहुंचेंगे। और खुला चैलेंज है, नीतीश कुमार हो या सम्राट चौधरी विधानसभा चुनाव लड़के दिखा दें, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, ये अरविंद कुमार का वादा है।